कैट वीडियोस के पीछे पूरा इंटरनेट पागल है, लेकिन क्या आपको पता है बिल्ली के नाक पर एकदम यूनिक पैटर्न बना होता है हमारे फिंगरप्रिंट जैसा, और कैटनिप कैट्स पर नशे जैसे काम करते हैं। कैटनिप के अंदर नेपेटेक लैक्टोन नाम का ऑयल होता है जो कैट्स के नाक के टिश्यू में एंटर करता है और आर्टिफिशियल फेरोमोन जैसा एक्ट करता है। इससे सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं और वो कैट्स के बॉडी और ब्रेन में बिहेवियरल और सेक्सुअल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। कैट्स अपने दिन का 85% टाइम कुछ भी नहीं करते हैं, खाना पीना और टट्टी करना सिर्फ बाकी 4% का वक्त लेता है, लेकिन जब वो उछल कूद करते हैं वो हमेशा अपने पैरों पर ही लैंड करते हैं। इसे राइटिंग रिफ्लेक्सेस कहते हैं। कैट्स का बैकबोन बहुत फ्लेक्सिबल होता है और उनमें कॉलरबोन नहीं होता। उनकी ग्रेविटी और ग्राउंड की समझ काफ़ी तेज होती है, इसलिए उल्टा कूदने पर भी वो हमेशा अपने पैरों पर ही लैंड करते हैं। बीच हवा में ही अपना मसल फाइबर ट्विच करके अपना एंगुलर मोमेंटम बदलते हैं। क्या आपने आपकी बिल्ली को पूंछ ऊपर करते देखा है? तब उसका पिछवाड़ा सूंघने के लिए कह रही होती है। कैट्स कम्युनिकेशन के लिए सेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए उनके ग्लैंड्स और फेरोमोन्स एक्सपोज करती है। ये किसी हग या हैंडशेक जैसा काम करता है। वो अपने बॉडी को भी आपके पैरों से रगड़ती है ताकि वो फेरोमोन्स आप तक पहुँचा सके। उनके चेहरे, बॉडी और टेल पर भी ग्लैंड्स की मदद से सेंट फैलाती है ताकि वो आप पर हग जमा सके, और ऐसे ही वो बाकी बिल्लियों को अपने इलाके के बारे में सिग्नल करती है या सेक्सुअल अवेलेबिलिटी के बारे में भी बताती है, और वो अपने टट्टी की स्मेल छुपाने के लिए उस पर मिट्टी डालती है। इससे वो बाकी हमलावर जानवरों से बच सकती है और जंगलों में बड़ी बिल्ली को खुद के सबमिसिव होने का सिग्नल करती है। और अगर आपके घर के आसपास भी वो ऐसे ही अपने टट्टी पर मिट्टी डालती है तो वो आपको डोमिनेंट समझती है। अंधेरे में बिल्ली को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन डिम लाइट में वो हम इंसानों से बेहतर देख सकती है। उनकी आंखों के पीछे एक सेल्स की लेयर होती है जिसे ट्यूपेटम ल्यूसिडम कहते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग मिरर जैसा काम करता है और रेटिना तक ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। थोड़ा अंधेरे में उनकी आंखें ज़्यादा रोशनी पकड़ती है जिससे वो देख पाती है, लेकिन पूरे अंधेरे में वो हमारी तरह ही कुछ भी नहीं देख सकती। और अगर आप किसी बिल्ली पर 3 अलग कलर्स देखते हैं तो वो कैलिको या टॉर्टोइस कैट है। ज़्यादातर केसेस में वो फीमेल कैट होगी। जिस जीन से उनका कलर बनता है उसे एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसका मतलब वाइट के अलावा फीमेल्स के 2 कलर्स हो सकते हैं, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल्स में वाई क्रोमोसोम होता है जिस पर कलर नहीं होता, तो उनका वाइट के अलावा एक ही कलर बनता है। हालांकि रेयर जेनेटिक केसेस में एक्सेप्शंस भी देखे गए हैं। कैट्स पर करते हैं, उसका रीजन अभी तक पता नहीं चला। वो जनरली खुश होते हैं तब, और जब वो इंजर्ड हो जाते हैं तब पर करते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कैट्स अपनी खुशी जाहिर करने के लिए पर करते हैं, लेकिन थियरी के अनुसार 24 से 140 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर करते हैं, जिससे हेल्दी बोन ग्रोथ और हीलिंग होती है। बिल्लियाँ ज़्यादातर सुस्त और आराम वाला लाइफस्टाइल जीती है, तो परिंग उनका सबसे आसान तरीका है अपनी हेल्थ और मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख दो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।